الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم وقال أيضا في مقام آخر وذكرهم بأيام الله محترم المقام ناظرین و ناظرات المہدی ٹی وی کے پروگرام صراط مستقیم کی قسط نمبر 91 لے کر آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام خواتین و حضرات، برادران و خواہران ایمان و اسلام، مسلمان بھائی بہنوں، مومن بھائی بہنوں، بزرگوں، خردوں، بچوں، بچیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں آج کے عظیم دن کی دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ تمام ویورز کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت، مبارکباد، کانگریجولیشن پیش کرتا۔ حوضے کی زبان میں ہم کہتے ہیں اسعد اللہ ایامکم سعیدہ کل عام وانتم بخیر، عیدکم مبارک، میلاد الصادقین الشریفین مبارکباد۔ آج 17 ربیع الاول ہے اور آج کا دن بڑی عظیم عید کا دن ہے، جس دن منجی بشریت، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، شافع روز جزا، علت غائی کون و مکان، امام الخلق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہی کا دن مقارن ہے ہمارے چھٹے امام مؤسس فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ساتھ۔ گویا آج کا دن دو عیدیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، ایک عید میلاد النبی کی، ایک عید ولادت صادق آل محمد کی سلام اللہ علیہما۔ ہدیہ تبریک و تہنیت مبارکباد کے بعد آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ آج کا پروگرام جو تقریباً مغرب تک جاری رہے گا، اس میں آپ کال فرما سکتے ہیں، ہم فلاڈیلفیا کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارا نمبر ہے 267-341-7176، اگین 267-341-7176، آپ کال کر کے ہدیہ تہنیت پیش کریں، تبریک کا تحفہ پیش کریں۔ ناظرین و ناظرات کی خدمت میں کوئی کامنٹ دینا چاہیں، کوئی سجیشن، تجاویز دینا چاہیں، یا کچھ بھی آج کے اس پروگرام میں انکلوڈ کرنا چاہیں، شامل کرنا چاہیں، تو کالز
के लिए हमारी लाइंस ओपन है 267-341-7176 पर आप कॉल कर लें, आपकी खिदमत आलिया में जवाब भी अर्ज किया जाएगा और आपकी कॉल्स को शामिल भी किया जाएगा। अगरचे आज हमने ज़्यादा पेशगी इत्तला नहीं दी, बहुत ज़्यादा तो हमें तवक्को नहीं है कॉल्स की, मगर हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ हमारे भाई बहन बच्चे बच्चियां कॉल्स कर लेंगे, ना भी करें या कम भी आए तो भर प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। हमारा ये सिरात मुस्तकीम का प्रोग्राम नंबर 91 है। आपसे हम दरख्वास्त गुजार हैं कि आप almadiTV.com को अपने अपने फ़ोन्स में, जो ऐप हमारी अब बन गई है, आप एप्पल स्टोर में जाएंगे तो आपको ऐप भी हमारी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लें ताकि आप जब भी फुर्सत में हो तो हमारे लाइव या रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स देख सकें। almadiTV एक मज़हबी चैनल है, एक सोशल चैनल है, तरबियत कौम का चैनल है, तरवीज मज़हब मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का चैनल है, कुरान व सुन्नत का चैनल है, कुरान व इतरत का, किताब व इतरत का चैनल है, और इसमें हम कोशिश करते हैं दुरूस कुरान, दुरूस नहजुल बलागा, दुरूस तारीख इंग्लिश में उर्दू में, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लाम की हिस्ट्री, दीनियात, फ़िक्र, शरीयत, तकाबुल अदियान, तकारुब अदियान, तरबियत औलाद, मियां बीवी के हुकूक, बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करें। मजालिस महाफिल, आपने ख़ुद मुलाहज़ा फरमाया है कि इंतहाई लिमिटेड न होने के बराबर वसाइल से, अल्लाह के फजल व करम से आज तक ये टीवी चल रहा है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। मैं आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि इस टीवी की मदद करें, इसलिए कि ये आप ही के तआवुन से चल रहा है, अल्लाह के फजल व करम से, किसी मुल्क, किसी कंपनी, किसी एजेंसी की से सपोर्ट नहीं है। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, हमारा हम्बल सा प्रोजेक्ट है, बड़े काज के लिए। आज बहुत बड़ा दिन है, आज ही के दिन आप वाच भी करें और अहद भी कर लें, थोड़ी बहुत मुआमलत हमारी फरमाएं ताकि हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं ये मैच हो सके। इस वक्त हमारे दो स्टूडियोज़ फिलाडेल्फिया में, एक स्टूडियो न्यूयॉर्क में, एक स्टूडियो न्यू जर्सी में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद ये है कि जल्द हम और जगहों से भी चैनल को शुरू करेंगे। नजफ में भी इस पर काम हो रहा है, कुम में भी काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी बात चल रही है। इंशाल्लाह आप थोड़ा थोड़ा तआवुन फरमाते जाएंगे तो हम 8-10 स्टूडियोज़ पूरी दुनिया में कायम कर देंगे। तो आप हज़रात ख़वातीन की खिदमत में आज का जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है ये पेश किया जा रहा है। पहली कॉल आ रही है, देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, ईद मिलादुस सादिकैन मुबारक। बिस्मिल्लाह जनाब। अस्सलाम अलैकुम जनाब। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, आप आवाज फरमाते रहे। पहली कॉल आई है हमें, कौन सा फरमा रहे? मैं जी इफ्तिखार हुसैन। अच्छा, हुसैन साहब ने पहली कॉल की है और ये फरमा रहे हैं कि ये जो जलसे जुलूस निकलते हैं इनमें लोग एतराज करते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा, कुरान मजीद में आयत है वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या, वसलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम, उस दिन भी सलाम जिस दिन वो पैदा हुए, उस दिन भी सलाम जिस दिन वो दुनिया से मरेंगे, जाएंगे, विसाल फरमाएंगे, उस दिन भी सलाम जब दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे।
तो अगर छोटे नबी पर विलादत के दिन सलाम हो सकता है तो हर नबी के सरदार की विलादत के दिन दुरूद व सलाम की बारिश कैसे नहीं हो सकती। फिर यह भी ज़हन नशीन फरमा लें कि जितने भी ईसाई हैं 25 दिसंबर को जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन मनाते हैं, चरागाह करते हैं, चरागाह बल्कि आज भी आप पूरे अमेरिका में देख सकते हैं, किसी ईसाई ने तो आज तक एतराज़ नहीं किया। ये मुसलमानों में कौन सा फ़िरका है जिसको जो ईसाइयों से भी पस्त है। फिर ये भी मुलादा फरमा लें कि आप ये भी मुलादा फरमा लें कि जब हुजूर पैदा हुए तो अल्लाह की ज़ात ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि कंदीलें हाथों में पकड़ के बग़ैर तेल के नूर इलाही से जलती हुई लेकर जाओ। हज़ारों हज़ारों फरिश्ते आए हैं, बीबी आमिना बिनत वहब सलामुल्लाह अलैहा के बैतुश्शरफ़ और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह अलैह के बैतुश्शरफ़ के अराउंड जहां हमारे आका करीम पैदा हुए हैं। तो गोया अल्लाह ने भेजा है फरिश्तों को, तो जुलूस तो अल्लाह निकलवा रहा है। फिर उसके साथ ये भी ज़हन नशीन फरमा लें कि अल्लाह की ज़ात ने आसमान के कवाकिब और सितारों को हुक्म दिया कि वो अपनी अपनी जगहों से हरकत करें और दूसरी जगह जाके दूसरे सितारों को मुबारकबाद दें। तो ये तो गोया सितारों का भी जुलूस निकल रहा है। और इसी तरीके से जन्नत को अल्लाह ने हुक्म दिया एहतज़ी कि ए जन्नत तू हिल, आज हिल, हिल और खिल। गोया जन्नत मुस्कराई है जिस दिन आका हमारे तशरीफ़ लाए हैं। तो ये खुशी का दिन है और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल फरमाई। ये जो लोग एतराज़ करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत फरमाए, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है ये ना करें, ज़रा अखलाक के दायरे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो कोई गलत हरकतें करते हैं तो हम आशिकान रिसालत को चाहिए कि हम नरमी के साथ, मुदारात के साथ, अखलाक मुहम्मद को, मुहम्मद व आले मुहम्मद के अखलाक को सामने रखते हुए एतराज़ भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपको जज़ा दे। खुदा हाफिज़। पहली कॉल में आई है, इन्होंने ये फरमाया भाई ने कि जलसे जुलूसों पे जो एतराज़ होते हैं इनका जवाब, इसके जवाब तो बहुत हैं। ये भी मैं अर्ज़ करूँगा कि जुलूस हमेशा जीतने वालों के निकलते हैं, हारने वालों का कोई जुलूस नहीं होता, क्योंकि आका हमारे जीते थे इसलिए उनका जुलूस है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आशूरा का जुलूस आका के नवासे की फतह का जुलूस है। ये हसन जाफरी ने हमें मुबारकबाद भेजी है एसएमएस के ज़रिए। सलाम ईद मिलादुन्नबी और ईद मिलादुस्सादिक अलैहिस्सलाम कुल मोमिनीन को मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो हसन जाफरी, आपके वालिद साहब के दर्जात हबीब जाफरी के भी बुलंद हों। सैयद अरसलान ने हमें ईद मुबारक भेजी है, सैयद अरसलान नकवी ने। ये इस वक्त हमें मैसेज के ज़रिए हम तमाम व्यूअर्स की खिदमत में, खुर्रम नकवी ने हमें मुबारकबाद भेजी है। तमाम व्यूअर्स के लिए मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ। आबिद ख्वाजा ने अलबनी से हमें थैंक्स, बहुत मुबारक हो। मौलाना सफ़ीर हुसैन अलवी इस वक्त फ़ोन पे हैं, देखते हैं, ये कहते हैं दूसरे कॉलर हैं। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मौलाना। अलैकुम सलाम। ये जनाब रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है और इसके जुलूसों के सुन्नी और शिया जो निकालते हैं इस पर अक्सर लोग जो हैं वो मोतरिज हैं, वो कहते हैं कि ये जुलूस नहीं होने चाहिए। और इस महीने की जो खासियत है वो भी ज़रा मेहरबानी करके बयान फरमा दें कि इसकी खुदा और रसूल की नज़र में इसकी अहमियत या इसका मकाम क्या है। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शुक्रिया आप शामिल हुए, जज़ाकुमुल्लाह खैर अल-जज़ा। दूसरी काल हमें मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब ने की है। ये मौलाना हैं, आलिम दीन हैं और अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में ये मेरी अदम मौजूदगी में नमाज़ भी पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे बुज़ुर्ग आलिम हैं। तो इनका कहना ये है कि जो शिया सुन्नी जुलूस निकालते हैं
इस पर जो लोग एतराज़ करते हैं, तो मैं मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब और अपने तमाम नाज़रीन नाज़रात की खिदमत में ईद मिलादुन्नबी ईद मिलाद सादिक सलामुल्लाह अलैहिमा की मुबारकबाद के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि जो पार्टियाँ जुलूस निकालती हैं वो जुलूस जायज़ हैं और आका की विलादत का जुलूस जायज़ नहीं है हमारे कुछ लोगों की नज़र में। शिया सुन्नी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो जुलूस निकालते हैं। जुलूस हमेशा जीती हुई पार्टियों के निकलते हैं, वो हारे हुए हैं, जो हारे हुए होते हैं वो तो अपने झंडे छुपा देते हैं। गुस्ताखान शान रसालत को तो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अच्छा नहीं लगेगा। अभी आपने खबर सुनी होगी जहाँ हम आका के पास सलाम करने जाते हैं वहाँ पर 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ वो रोज़े रसूल के ऊपर जश्न मना रहे थे। अफसोस का मकाम है कि उम्मत मुस्लिमा के ये हाकिम अगर कोई अपने बच्चों की बर्थ एनिवर्सरी मनाए तो उस पर तो एतराज़ नहीं करते। बच्चों की बर्थ एनिवर्सरीज पर, बच्चों की विलादतों पर जो जश्न मनाए जाते हैं, गुब्बारे छोड़े जाते हैं या मिठाइयाँ बांटी जाती हैं या डिनर्स स्पॉन्सर किए जाते हैं, वहाँ तो कोई एतराज़ नहीं कर रहा है। और आमिना के लाल सरकार अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के यतीम इस दुनिया में आए जो काफिलुल एताम बन के और काफिलुल अरामिल बन के और पूरी दुनिया की बशरियत और जिन और मखलूक को निजात देने के लिए इल्लत गाये कायनात जब इस दुनिया में आए, जिनके आने से हरियाली फैली, जिनके आने से दरियाए साबा का खुश्क पानी बरसा बरस के बाद चल पड़ा, जिनके आने से हज़ार साल से ऑटोमेटिक जलने वाली आग आतिशकदा फ़ारस की बुझ गई, 24 पिलर्स ईवान किसरा के गिर गए, जिनके आने से पूरी कायनात में चरागा हो गया, जिनके आने से जन्नत हिली और मुस्कराई, जिनके आने से हर फरिश्ता जो ज़मीन पे उतरा आसमानों से मशल हाथ में लेके उतरा और हातिफ आवाज़ देता था हाजा नूर मोहम्मद रसूलिल्लाह, जिसके जिनके आने से बीबी आमिना ने शाम और अजम के फ़ारस के महल देखे, जिनके आने से दुनिया का हर बुत सरनिगुं हो गया, जिनके आने से जो जंजीरों में जकड़ी हुई इंसानियत थी उसको परवान है नजात मिल गया। मैंने मौलाना मोहतरम के इस इरशाद के बाद मैं हदिया करता हूँ मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी को भी और जो दीगर भी मेरे भाई बहन बच्चे बच्चियाँ बुज़ुर्ग खुर्द मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस वक्त सुन देख रहे हैं या रिपीट प्रोग्राम को इंशाल्लाह देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, सबकी खिदमत में मैं एक हदिया कर रहा हूँ, एक गिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने हज के सफ़रों में जो मैंने मोर देन 3 डेकेड्स से मैं सफ़र कर रहा हूँ हज के, मैंने देखा है रोज़े रसूल पर 36-37 साल से लिखा हुआ देख रहा हूँ, वहाँ पर ये लिखा हुआ है बाकायदा कि आका करीम का ये इरशाद है कि इन शफाअती ले अहलिल कबाइर, तहकीक मुझ मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरी शफाअत उनके लिए है जो मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगार हैं। सुभान अल्लाह, आका का क्या करम है। लिहाजा इन बेवकूफ़ों को बजाय इसके कि ये जुलूसों में शिरकत करें और जुलूसों के रास्तों में झाड़ू दें और लंगर पाक तकसीम करें, ये मुखालफत कर रहे हैं। मैंने आज कालम लिखा है और फजर के बाद, और उसमें मैंने ये साबित किया है कि मैंने बेहम्दिल्ला मुझे जुलूस के रास्तों का झाड़ू देते हुए 50 साल मुकम्मल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी हाफ सेंचुरी हो गई है मैं हर साल जो जुलूस निकलता है उसके रूट पे कहीं ना कहीं जाके, हाँ मुझे 7 घंटे गाड़ी चलानी पड़े, 7-7 घंटे गाड़ी चला के मैं रूट पे पहुंचा हूँ और मैंने बग़ैर अपनी आइडेंटिटी के
झाड़ू दिया है कि यहाँ से मेरे आका के परवाने गुजरेंगे, यहाँ से सदके या रसूल अल्लाह का विर्द होगा, यहाँ से लबैक या रसूल अल्लाह के नारे लगेंगे, यहाँ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी लगेंगे, यहाँ पर सैयदी मुर्शदी मुर्शदी या नबी के नारे होंगे, लबैक लबैक या रसूल के नारे गूंजेंगे। मैं अपने आका के उन आशिकों के कदम जहाँ पे लगने हैं वहाँ अपनी पलकों से झाड़ू दूँ ताकि दुनिया को पता चले कि आका के जो ग़ुलाम हैं वो पहली सदी हिजरी तक के लिए महदूद न थे, आका के ग़ुलामों के ग़ुलाम भी आज मौजूद हैं। इस साल भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ू दिया है जुलूस के रास्ते से, और मैंने आज के कालम में लिखा भी है जो कल छप जाएगा उर्दू टाइम्स में कि मेरे एक भाई आए थे मेरे पास, उनका काम सिर्फ इस वजह से हो गया कि मैंने उनसे कहा कि ईद मिलादुन्नबी का जो न्यूयॉर्क का जुलूस है कोनी आइलैंड एवेन्यू का, वहाँ झाड़ू दे दो। उन्होंने झाड़ू दिया थोड़ा सा, उनका काम अगले दिन हो गया। बहुत शुक्रिया मौलाना मोहतरम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सब भाई बहनों का। एक काल और ले रहा हूँ, तीसरी काल। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, ईद मिलादुस सादिकैन अलैहिम अस्सलाम, मुबारकबाद आगा। अलैकुम सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आगा बरकत अली हमारे साथ लाइन पे हैं, कैसे हैं आगा? ठीक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। आपकी कमी बड़ी महसूस हो रही है न्यूयॉर्क में, अल्लाह करीम आपको मिलादुस सादिकैन के सदके में अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिस्मिल्लाह जनाब इरशाद फरमाइए। और ये पता करना था असल जो तारीख है वलादत की, तो इसमें इख्तलाफ क्यों है? बहुत शुक्रिया आगा बरकत अली ने सवाल किया है। अल्लाह ताला आगा बरकत अली की जौजा को, इनकी बेटी को, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, इनके साहिबजादे को, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मरहूमीन की मगफरत फरमाए, वालदैन को सेहत दे। आगा का सवाल ये है, फरमा रहे हैं कि ये बताएं कि इख्तलाफ क्यों है। तो पहली बात तो गुजारिश ये है, आगा बरकत अली भी और जितने भी वाच कर रहे हैं मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात उनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें वाकई इख्तलाफ है। मैंने उलमाए अहले सुन्नत से सुना है, कुतुब अहले सुन्नत व अहले तशय्यु में पढ़ा है कि 8 रबीउल अव्वल भी बाज़ ने लिखी है, 9 भी लिखी है, बाज़ ने 10 भी लिखी है, बाज़ ने 12 लिखी है, बाज़ ने 15 लिखी है, और उलमाए तशय्यु ने तकरीबन इत्तेफाक किया है 17 पे। 9, 10, 12, 15, 17 ये तो ज़्यादा है, 8 का बहुत कम लोगों ने लिखा है, मगर एक साहब ने 8 भी लिखी है। 9 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 15 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, और छठा कौल है 15 ज़िलहज। ये मैंने 6 रिवायतें खुद पढ़ी और 8 रबीउल अव्वल वाली मैंने सुनी। तो ये अज़हान आलिया में महफूज फरमा लीजिए कि इख्तलाफ की वजह ये है। मेरा सखावत हुसैन का जब इमिग्रेशन नहीं हुआ था तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, उसी दौरान में मेरे वालिद फौत हो गए। मेरे वालिद ने लिख के दिया हुआ था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक काल मैं और ले रहा हूँ आगा, आप लाइन पर रहिएगा, अभी जवाब दे रहा हूँ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, ईद मिलादुस सादिकैन मुबारकबाद। आगा जी, मैं माजिद बात कर रहा हूँ मौलाना। कैसे हैं आगा माजिद? ठीक है या बच्चा फोन नंबर दिया ये कॉल करो बोल के? जी ठीक है, मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूँ, शुक्रिया, लाइव हूँ मैं टीवी के ऊपर, टीवी देखिए, ये टीवी पे लाइव प्रोग्राम आ रहा है, मीलादुस सादिकैन शरीफैन सलामुल्लाह अलैहिमा, ईद मिलादुन्नबी का आज दिन है, ईद विलादत इमाम जाफर सादिक का आज दिन है, ये दो बड़े बुजुर्गों की, सच्चे रसूल सच्चे इमाम, सादिक रसूल सादिक इमाम, अमीन रसूल अमीन इमाम का आज दिन है, सादिकुल बारुल अमीन, इमाम का लकब भी है अमीन।
और कुफार ने भी हुजूर को सादिक व अमीन कहा, तो आगा बरकत अली भी अभी वाच कर रहे हैं, लाइन पे हैं, और माशाल्लाह आगा माजिद हुसैन मूसवी नारे वाले आगा हमारे आए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे आगा माजिद आगा, आपकी बेगम साहबा को, हमारी भाभी हाजन को भी, जवारन को भी, आपके बच्चों को भी अल्लाह जिंदा और सलामत रखे। ये प्रोग्राम है लाइव, आज फिलाडेल्फिया से हम कर रहे हैं, ये सिरात मुस्तकीम नंबर 91 है, और आज हम मिलादुस्सादिकैन की मुबारकबाद आगा माजिद हुसैन मूसवी साहब की तरफ से मैं तमाम भाई बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मिसेज माजिद मूसवी की तरफ से भी और मूसवी फैमिली की तरफ से भी मैं तमाम भाई बहनों को मिलादुस्सादिकैन शरीफैन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगा कुछ और फरमाना चाहेंगे? जी टीवी पे देखो ना, टीवी पे देखो, टीवी पे देखो, और बाद में नारे के लिए भी आ जाओ। तो ये माजिद मूसवी साहब थे, और इनको किसी बच्चे ने कॉल की है कि प्रोग्राम आ रहा है, तो इन्होंने कॉल की है। तो आगा बरकत अली ने अभी जो हमसे पूछा था, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मेरा इमिग्रेशन पेंडिंग था तो हमारे गांव में संदराल में जो यूनियन काउंसिल है, उस ज़माने में डेट ऑफ बर्थ लिखी नहीं जाती थी, तो जाहिर है कि मेरे वालिद ने एक नोटरी पब्लिक करके ओथ कमिश्नर के ज़रिए एक स्टाम्प भेजा कि मैं फुला तारीख को पैदा हुआ। तो वालिद जब फौत हो गए तो इमिग्रेशन वालों ने लेटर लिखा वकील को, वकील ने मुझे कहा कि अपने चचा से लिखवाएं। तो गोया अमेरिकन इमिग्रेशन वाले भी ये जानते हैं कि अगर डेट ऑफ बर्थ का इल्म ना हो तो चचा से पूछना चाहिए। तो जिस चचा ने डेट ऑफ बर्थ बतानी थी, अगर मुसलमानों के बाज अहमकों ने उनको ही काफिर कह दिया हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको कहाँ से मालूम हो कि हुजूर पैदा हुए। ये आगा बरकत अली का जवाब है, अल्लाह सलामत रखे, शुक्रिया, बात फरमाते रहें। तमाम हज़रात व ख़वातीन कॉल करना चाहें 267-341-7176 पे आप कॉल कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह हो खैरुल जज़ा। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में फिलाडेल्फिया के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है, और ये प्रोग्राम आज जो आप देख रहे हैं ये सिरात मुस्तकीम नंबर 91 है, जिसमें हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत की मुबारकबाद के लिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। काशिफ ने, जिन्होंने हमारे साथ हज भी किया है, काशिफ सैयद, इन्होंने भी मैसेज भेजा है मुझे, और एक ईद मिलादुस्सादिकैन मुबारक हो टू ऑल, मुबारक टू ऑल मुस्लिम्स, ये हुमैरा सईद ने मैसेज भेजा है मैरीलैंड से। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको भी सेहत दे, उनकी वालदा को भी, उनकी बेटी को भी, और भी काफ़ी कॉल्स आ रही हैं। एक कॉल रफत मिर्ज़ा की, ये एक मैसेज आया है मुबारकबाद का, फरा जैदी ने न्यू जर्सी से मुबारकबाद पेश की है, उनके लिए भी दुआ गो हूँ। काजिम ने पेंसिल्वेनिया से, काजिम ने फिलाडेल्फिया से, सैयद काजिम ने मैसेज भेजा है मुबारकबाद का, मैं भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहन सुरैया ने हैदराबाद दक्कन से, इनका ताल्लुक है, न्यूजर्सी में रहती हैं, इन्होंने मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। कारी सईद का मैसेज आया है, जो कारी सईद हसन, एक और मैसेज न्यूजर्सी से किसी बुज़ुर्ग खातून ने भी भेजा है मुबारकबाद का। माशाल्लाह रज़ा काजमी ने हमें मैसेज भेजा है मुबारकबाद का, हम इनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। न्यूजर्सी से इकबाल साहब ने भी मुबारकबाद का मैसेज भेजा है, माशाल्लाह लाइन लग गई है। हाजी सलामत अली का मैसेज आया हुआ है ब्रुकलिन से, ये आसिया की अम्मी हैं लंदन से, उन्होंने कहा मैं आसिया की अम्मी हूँ, उनका मैसेज आया हुआ है, माशाल्लाह सलामत रखे। जनाब मोहसिन ज़हीर साहब
जो हमारे अखबारी नुमाइंदे हैं उनका मैसेज आया हुआ है। अज़र मलिक साहब का मैसेज है, ये कैलिफोर्निया से है। मुश्तवा सैयद का एक मैसेज आया हुआ है, ये भी आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। काजिम शाह का मैसेज आया हुआ है, तहमीना ने कनाडा से मैसेज भेजा है, एक मैसेज लाहौर से आया है। माशाल्लाह बहुत मैसेजेस आए हैं और अभी आ भी रहे हैं। एम आर फरूख ने मैसेज भेजा है जो पाकिस्तान पोस्ट के नुमाइंदे हैं। परवेज़ एहसन ने, उनकी वालदा का हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी दुआगो हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने भी मैसेज भेजा है। कुरैशी साहब ने न्यूयॉर्क से मैसेज भेजा है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनकी पूरी फैमिली को मुबारक हो। एक खातून है, एक बहन है, इन्होंने मिशिगन से मैसेज भेजा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, कनीज़ फातिमा इनका नाम है, इनका भी मैसेज आया है। और माशाल्लाह काफ़ी सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी का मैसेज आया है, ये थोड़े से अरसे में बहुत सारे मैसेज आ गए। अल्लाह ताला आप सब हज़रात ख़वातीन को सलामत रखे। अगर आप कॉल करना चाहें 267-341-7176 पे कॉल करके मुबारकबाद में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पर्सनल फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, कॉल करनी है तो प्लीज़ 267-341-7176 पे कॉल कर लें। जल्द हम इंशाल्लाह लैंडलाइन ले लेंगे तो फिर आपको नया नंबर दे देंगे जो परमानेंट फिलाडेल्फिया के स्टूडियो के लिए काम करेगा। तो हज़रात ख़वातीन, आप वाच फरमा रहे हैं प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम नंबर 91, जो आज बहुत बड़ी ईद के बारे में। आज शिया स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बरकत का, खैर का। आप तमाम हजरात व ख़वातीन, रबीउल अव्वल शरीफ के जो दिन बाकी हैं इनमें दुरूद पढ़ें। आज के दिन जितना भी दुरूद पढ़ा जाए कम है, कम से कम 1000 दफ़ा दुरूद आज पढ़ना चाहिए। रबीउल अव्वल में कोशिश करें 1,00,000 मरतबा दुरूद पढ़ें। मैं मदीना मुनव्वरा में 10 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह 1,00,000 मरतबा दुरूद पढ़ता रहा। दुरूद की बड़ी बरकत है, बड़े दुरूद हैं, दुरूद तुंजीना है, दुरूद ताज है, दुरूद लखी है, कि एक मरतबा आप पढ़ें तो 1,00,000 दुरूद का सवाब होता है। हुज़ूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह रद्दा इलैया रूही फी कब्री, अल्लाह की ज़ात ने मेरी कब्र में मेरी रूह को पलटा दिया। हमारा ईमान है, कुरान कहता है, कुल अमलू फसय्यरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। फरमा दीजिए मेरे हबीब कि तुम अमल करते जाओ, अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह के रसूल भी देख रहे हैं और कुछ मोमिन भी देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं ये प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम, जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद मिलाद इमाम जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैह, इन दो ईदों के बारे में है। सच्चे रसूल, सच्चे इमाम, ये भी मुलाहज़ा फरमा लें कि इस महीने में बड़ी बरकतें नाज़िल हुई और होती हैं। मैंने देखा है कि जो लोग 12 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल, जैसे इमाम खुमैनी ने फरमाया था कि हफ्ते वहदत मना लें, पूरा हफ्ता ही जलसे कर लें ताकि शिया सुनी मिल के इस दिन को मना लें, 11 से शुरू कर लें, शब से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 तक ये पूरा हफ्ता हो जाएगा। तो 11 से शुरू कर लें 17 की रात तक, बेशक ये पूरा हफ्ता ही यूनिटी का मना लें। तो जो लोग लंगर पाक का एहतमाम करते हैं, अल्लाह उनके रिस्क माल में बरकत दे देता है। एक काल और शामिल कर रहा हूँ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मिलादुस सादिकैन, नया रहना है अलमाइदी पे।
मिलाद उस्सादिकैन मुबारक हो। आप मुलाजा फरमा रहे हैं प्रोग्राम मिलाद उस्सादिकैन का, और ये प्रोग्राम आपके लिए अलमैदी टीवी से पेश किया जा रहा है। आप तमाम हजरात व ख्वातीन अलमैदी टीवी को शाबा पर देख सकते हैं, और आप अलमैदी टीवी को यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत आलिया में जो नशर किया जा रहा है, ये स्टूडियो है फिलाडेल्फिया का। आप मुलाजा फरमा रहे, इसमें आपको रोज़े रसूल नज़र आ रहा है, लाइव कॉल्स का नंबर भी नज़र आ रहा है, सिरात मुस्तकीम नंबर 91 है। तमाम हज़रात व ख़वातीन जावा पे, जादू पे, शावा पे और बी टी वी पे आप देख सकते हैं। और जो आजकल आपने ख़ुद बॉक्सेस छोटे छोटे बनाए हुए हैं उन पे भी आ सकता है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐप भी इसकी बन गई है। अगले प्रोग्राम में हम इसकी ऐप भी आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। लाइव कॉल करना चाहें तो नंबर लिखा हुआ है 2673417176 पर आप कॉल कर सकते हैं। अल्लाह करीम आपको जिंदा और सलामत रखे। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत आलिया में आज सिरात मुस्तकीम नंबर 91 मिलादुस सादिकैन शरीफैन सलामुल्लाह अलैहिमा के बारे में पेश किया जा रहा है। आइए, जब तक अगली कॉल नहीं आती तो हम कुछ सीरतुन्नबी और सीरत इमाम सादिक अलैहिमस्सलाम पर कुछ गुफ्तगू करते, ताकि आज के इस दिन का कोई तोहफा भी दे दे। एक तो ये है कि आज नए कपड़े पहने, आज खुशबू बेहतर से बेहतर लगाएं, अपने घरों में थोड़ा सा चिरागा कर दें, आज कुछ मुख्तलिफ खाना पका लें, थोड़ा सा मीठा बना लें, ताकि आज आपके बच्चों को पता चले कि आज कोई एक बहुत बड़ा दिन है। इससे आप अपने घरों के माहौल से भी बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। मस्जिदों में हो सके तो मस्जिदों में आज प्रोग्राम रखें। चाहिए तो था कि आज के दिन बहुत बड़े प्रोग्राम होते, मगर हमारे ज़रा कम्युनिटी ढीली ढाली है, ओकेजन्स पे नहीं करती है, वीकेंड्स पे हर चीज़ ले जाती है। आज के दिन तो चाहिए था कि बेहतरीन प्रोग्राम हों, जलसे हों, चरागा हो, तमाम इमाम बारगाहों में मसाजिद में चरागा करें और पूरा रबी अव्वल चरागा रहे, पूरा का पूरा रबी अव्वल। मैंने एक रिवायत देखी है कि व अकामा सलासीना यौमा, ये जो जश्न मनाया गया जब आका पैदा हुए, 6 महीने आमुल फील में, 6 महीने वाक़े फील को, अबरहा के वाक़े को गुजरे हुए हो गए थे, तो ये 1 महीना पूरा तहव्वुलात कायम रहे, 1 महीना। तो आप शुरू करें तो कम से कम रबी अव्वल का पूरा महीना चरागा रखें घरों में भी, जैसे आजकल 25 दिसंबर का भी चरागा हो रहा है, आप आका की निस्बत से भी कर दीजिए और हज़रत ईसा का भी करने में कोई हर्ज नहीं, वो भी हमारे नबी हैं। ज़ाहिर है कि वो हमारे नबी के मुबशर हैं, उन्होंने ख़ुद कहा है मुबशरम बे रसूल याती मिम्बादी इस्मुहु अहमद। बल्कि अभी क्रिश्चियंस ने 30 तारीख को गोरमे में, जो अलमैदी सेंटर के सामने है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, उसमें मुझे भी कीनोट स्पीकर रखा है। क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मना रहे हैं और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब आएँ और ख़िताब करें, और हज़रत ईसा के बारे में भी और हुजूर पाक के बारे में भी वो ख़िताब करें। उसमें फादर्स आ रहे हैं, बड़े प्रीस्ट उसमें आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह अलमैदी टीवी से भी हम नशर भी करेंगे, ताकि पता चले कि इस वक्त पूरी दुनिया मुसलमानों को बुला रही है और मुसलमानों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक तो हमने बुरी खबर आपको बताई कि 2000 अफराद को गिरफ्तार किया गया, ये तो अच्छी खबर नहीं है, और वो भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर। अल्लाह हिदायत करे हमारे उन भाइयों को जो बहके हुए हैं। और दूसरी अच्छी खबर एक हम दे रहे हैं आपको, वो ये है कि इस साल जो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है, 31वां जो जुलूस था, ज़ाहिरन
का 30वां जुलूस था, वो अलमहदी सेंटर तक आया, पीर सफदर हुसैन शाह, शेख अशफाक, मलिक नासिर, सूफी मुश्ताक, अजीज भट्ट, जैन बुखारी, आबिद हुसैन राजा, हाजी चौधरी मोहम्मद रजाक गुजर, चौधरी खावर अली खावरी, जनाब हाजी जावेद हुसैन, जनाब हाजी सलामत अली, हैदरी मलंग, मास्टर नियाज अहमद, खलीफा नफीसुल हसन, आगा सादत, आबिद जाफरी, अख्तर शाह, सैयद अख्तर अली शाह वगैरह के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने दोनों तरफ से इस संजोग का, इत्तेहाद का एहतमाम कराया। सैयद बशीर रजा भी खुद शरीक हुए, जाफरी काउंसिल के जो सदर हैं, और हमारे मोहसिन मुनव्वर भी अलखोई फाउंडेशन से जिनका ताल्लुक है वो भी आए। बहुत बड़ा मजमा आया इस दफ़ा बहमदिल्ला, एक बहुत बड़े अखबार नवीस हैं अलमदार बुखारी, वो भी आए, और जो हमारे लोकल अखबार नवीस हैं मोहसिन जहीर साहब, समद खान, मंजूर हुसैन, एम आर फर्रुख वगैरह, मुजीब लोधी वगैरह, इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। टीवी चैनल्स ने भी, मावेज़ ने भी, और हमारे मियाँ साहब ने भी, मियाँ अजीम साहब ने, और दीगर जो अखबारात और टीवी के नुमाइंदे थे उन्होंने इसको कवरेज भी दी। ये पहला हिस्टोरिक मोमेंट था, बड़ा ब्लेस्ड कि इधर से जुलूस आया और इधर अलमहदी सेंटर के सामने चंद अहले खैर के तआमुन से, जिनमें से बाज़ का जिक्र मैं कर चुका हूँ, लंगर पाक का एहतमाम किया गया। हमने शुरकाए जुलूस, बल्कि कायदीन जुलूस, उलमा व मशाइख को हार पहनाए, मुसाफा किया, उन्हें वेलकम कहा, साथ बिस्मिल्लाह कहा, और वहीं से जुलूस वापस मक्की मस्जिद चला गया। ये अच्छी खबर है जो मैं आज के प्रोग्राम के ज़रिए आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैरियर्स तोड़ दिए हैं फ़िरकावारियत के, जिस तरह हमने मेहनत करके ब्रुकलिन से फ़िरकावारियत का जनाजा निकाल दिया, इस तरह मैं अपने भाई बहनों से गुजारिश करूँगा फ़िरकावाराना तकरीरों को कंडेम करें, फ़िरकावारियत फैलाने वाले खुतबा को बिल्कुल ना बुलाएं, उनका बाइकाट करें, और गाली गलौज देने वाले ज़ुअमा और लीडर्स को ज़मीनगीर कर दें। यह ज़माना इत्तेहाद का ज़माना है। लाहौर में भी इस साल मैंने देखा इत्तेहाद का बहुत बेहतरीन मंज़र देखने में आया। मैं तो खैर बचपन से देख रहा हूँ, जब बड़ी मस्जिद से, हमारी जो जामे मस्जिद है खुशाब की, हम रहने वाले तो सदराल के हैं मगर जुलूस जो बड़ा निकलता है वो खुशाब में निकलता है, तो बचपन से स्कूल से हमें छुट्टी हो जाती थी और हम जाते थे। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि वहाँ से जब जुलूस निकलता था तो शिया सुन्नी उलमा उसकी क़ियादत करते थे, रास्ते में सबीरें लगती थी। मैं अप्रिशिएट करूँगा ब्रुकलिन के तमाम शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों को, बल्कि न्यूयॉर्क के तमाम शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों को, बल्कि न्यू जर्सी के तमाम शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों को, कि जिन्होंने इस साल बड़ी वहदत, यूनिटी, यगानगत, यकजहती का सबूत दिया। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात व ख़वातीन को सलामत रखे। यह प्रोग्राम आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सिरात मुस्तकीम नंबर 91, और आज हमने चाहा कि इतनी बड़ी ईद है तो शाम को तो ज़ाहिर सब मसरूफ़ हो जाएंगे, तो एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं और 7 बजे इसको रिपीट कर देंगे, ताकि तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में हदिया तबरीक भी पेश हो जाए।
तहनियत भी पेश हो जाए, मुबारकबाद ही पेश हो जाए, कांग्रेचुलेशन पेश कर दी जाए, इजहार कर दिया जाए, बता दिया जाए कि इस दिन अच्छे खाने पकाने चाहिए, लिबास नए पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, हत्तल मकदूर मस्जिदों और इमाम बारगाहों में हाजिरी देनी चाहिए, मराकज़ में हाजिरी देनी चाहिए, एक दूसरे को मुबारकबाद के मैसेजेस भेजें, टिकर्स भेजें, इश्तहार भेजें, रोज़ रसूल की शबीहें बना के भेजें। मुझे यकीन है कि जिस तरह 1439 हिजरी का ये दिन और ये अय्याम ब्लेस्ड गुजर रहे हैं और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी और इत्तेहाद वहदत की फिजा कायम हो रही है, 1440 हिजरी का जब ये दिन आएगा और ये अय्याम रबीउल अव्वल आएंगे तो इससे और बेहतर अंदाज में जुलूस निकलेंगे, नारे लगेंगे, लंगर पाक तकसीम होंगे, जलसे होंगे सीरत के, और हमें चाहिए कि सीरत नबी पर चलें, सीरत इमाम सादिक पर चलें। नबी मुतवादे थे, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। नबी अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ते थे, हमें नमाज को डिले नहीं करना चाहिए। बिलाल कहते हैं नबी मुझसे फरमाते थे, अरे हना या बिलाल बिल अजान, ए बिलाल अजान के ज़रिए मुझे हमें राहत पहुँचाओ। नबी करीम पाँव फैला के नहीं बैठते थे, हमें पाँव फैला के नहीं बैठना चाहिए। नबी करीम किसी की कलाम में इंटरप्ट नहीं फरमाते थे, हम कथा कलामी माफ़ के ज़रिए अगले की ऐसी तैसी फेर देते और हमें समझ भी नहीं आती है। नबी हमेशा मिसवाक फरमाते थे, उनके दांत हमेशा मोतियों की तरह चमकते थे, हमें अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। नबी हाइजीन का ख्याल रखने का हुक्म फरमाते थे, तैयब ताहिर माहौल चाहते थे। या बनी आदम खुदू ज़ीनत को विंदा कुल्ले मस्जिद, नबी करीम उजले हुए कपड़े पहनते थे, हमेशा सफ़ेद पोश थे, हमें सफ़ेद पोश होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के पाबंद थे और तहज्जुद को कई किस्तों में पढ़ते थे ताकि देर तक मैं सोया न रह जाऊं, उसने कायनात मेरे एहतराम में बनाई है तो मुझे ज़्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं लगता। हम चलिए बार बार ना उठें, एक बार तो उठें। और वबिल असार हम ये लोग जो सहर के वक्त मुस्तगफिरून, ये सहर के वक्त वो मगफरत की दुआ करते हैं। ताइबून अत्ताइबून फी वक्त सहर, जो रिवायात में आया है, अहादीस में आया है। वबिल असार हम यस्तगफिरून, जो कुरान में आया है। तो इन का ख़ास हम ख्याल रखें, सीरत के पहलुओं का। हुजूर सलाम में पहल फरमाते थे, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। हुजूर का अखलाक ऐसा था कि दुश्मन आता था तो कलमा पढ़ लेता था। हुजूर ने अपने रास्ते में कांटे बिछाने वाली बीवी यहूदी को भी कन्वर्ट कर लिया जब इयादत के लिए चले गए। हुजूर की सीरत को अपनाएं, हुजूर का तरीक़ा गुफ्तार अडाप्ट करें, हुजूर का किरदार अडाप्ट करें, हुजूर का अखलाक अडाप्ट करें। हुजूर कैसे चलते थे, छोटे छोटे कदम रखते थे हुजूर, कैसे सोते थे रुख आसमान की तरफ या कभी दाएं पहलू की तरफ, उस तरह सोएं, उस तरह चलें, उस तरह बोलें। हुजूर कुरान डेली पढ़ते थे, पढ़ने की तलकीन फरमाते थे। सोते हुए हुजूर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे, फरमाते थे ख़त्म कुरान हो जाता है, सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे, फरमाते थे इससे हज उमरा हो जाता है। ये सीरत के पहलू अडाप्ट करें। हुजूर बीबी फातिमा के दरवाज़े पर पूरे 9 महीने आयत तथहीर की तिलावत करते थे, हमें भी आस्ताना मुकद्दस फातिमा पर सलाम करना चाहिए, सलामुल्लाह अलैहा। हुजूर हसनैन शरीफैन की नाजबरदारी फरमाते थे, हमें भी हसनैन शरीफैन का जिक्र करना चाहिए। हुजूर मौला अली के जिक्र से खस्ता नहीं होते थे, हमें भी ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर का मिस्ताक बनना चाहिए। हुजूर अफ़ दरगुज़र फरमाते थे, अपने ग़ुलामों पे सख्ती नहीं करते थे, अपने अहले खाना पे सख्ती नहीं करते थे, हमें भी सख्ती नहीं करनी चाहिए।
हम आका के रास्ते पे चले तो यद खुलू नफी दीन अल्लाह अफवाजा, कल ही नहीं आज भी फौजें की फौजें दाखिल होंगी। सीरतुल नबी या सीरत के जलसों या ईद मिलादुल नबी के जलसों का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम नारे लगा लें, बल्कि उस सीरत पे अमल भी करें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की अहादीस देखें, इरशादात देखें, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में बरसर पैकार हैं, तो आपने इस गनीमत को, फुर्सत को गनीमत समझकर यूनिवर्सिटी खोली, 40 उलूम अकेले आप पढ़ाते थे। यही वजह है कि चारों इमाम अहले सुन्नत के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। जाबिर बिन हयान तरतूसी जैसा साइंटिस्ट इमाम जाफर सादिक के सामने जानुए अदब तय करता है। इमाम आजम तो ये फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह के लौल सनतान लहलकन नौमान। मुस्तशरकीन ने जर्मनी के इस्लामिक सेंटर से ये किताब छपी है, अब तो तर्जमा भी हो गया है, मौलाना मुश्ताक हुसैन अब्दुल करीम मुश्ताक ने इसका तर्जमा भी किया है। सुपरमैन इन इस्लाम, जिसमें यह साबित किया गया है कि कुदमा के फलसफे को रद्द किया है इमाम ने, और आज अगर अफलातून सुकरात होते तो इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र का तवाफ करते। अफसोस है कि इमाम की कब्र पर एक पत्थर रखा हुआ है, जन्नतुल बकी को मिसमार कर दिया गया था, पहले रोज़ा था, रोज़े को मिसमार कर दिया गया। अल्लाह ताला वो दिन लाए कि हम दोबारा रोज़ा तामीर कर सकें। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप ये प्रोग्राम मुलाहज़ा फरमा रहे हैं सिरात मुस्तकीम नंबर 91, और आज क्योंकि एग्जैक्ट दिन है ईद का, ईद मिलादुल नबी है, ईद मिलाद मुस्तफ़ा है, ईद मिलादुल रसूल है, और ईद मिलाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, तो इस अजीम ईद के मौके पर मैंने चाहा कि मगरिब से पहले पहले आपकी खिदमत आलिया में कुछ मारूजात पेश कर दी जाएँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने का बेहतरीन तरीक़ा उनकी सीरत पर चलना। एक वाक़या बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह कल कोशिश करेंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर हों, मगरिब से पहले थोड़ी सी हाज़िरी दें बरकात इस्मे आज़म के साथ, क्योंकि हज के बाद से बहुत लंबी हाज़िरी हो गई, बहुत कम आपकी खिदमत में लाई हाज़िर हो सकें। हज़रात व ख़वातीन, बरादरान व ख़्वाहरान इस्लाम व ईमान, एक वाक़या मैं सिर्फ़ पेश करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जबल का एक बादशाह हज पे जाता था हर साल, और वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर मेहमान रहता था। एक दफ़ा वो जब जा रहा था हज पे, तो उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को 10,000 दीनार दिए और कहा कि मेरे लिए घर ख़रीद कर लें ताकि आते जाते आपको ज़हमत न दूँ, अपने घर में ठहरा करूँ, हर साल आना है। वो जब वापस आया हज से, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आपने मेरा कैसल, महल, घर, पैलेस ख़रीद कर लिया? आपने फरमाया जी हाँ। तो क़िबाला कहाँ पर है, डीड कहाँ है, रजिस्ट्री कहाँ है, डिग्री कहाँ है? इमाम पाक ने एक चिट्ठी दी, उस पर लिखा हुआ था कि हाजा बैतुन इश्तरा जाफर इब्न मोहम्मद ले फुला इब्न फुला मलिक जबल, और हुदूद अरबा लिखा उस पेपर पे। एक तरफ इसके मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है, दूसरी तरफ अली और वलीउल्लाह का घर है, तीसरी तरफ हसन मुश्तबा का घर है, चौथी तरफ हुसैन शहीद करबला का। वह हाजा फिल जन्नतिल फिरदौस, और यह महल जो मैं ख़रीदा है जाफर इब्न मोहम्मद ने 10,000 दीनार के एवज, ये जन्नतुल फिरदौस में है। उसने क़िबाला को, कागज़ को आंखों पे लगाया, और इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे 10,000 की ज़रूरत मुझे हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए पड़ गई थी। मैंने अल्लाह से ये सौदा किया है कि ये तुम्हारा जो माल है ये मैं सादात किराम को दूंगा, और अल्लाह से तुम्हारे लिए ये घर ख़रीद कर लिया मैंने।
अगर ये बिजनेस कबूल है तो किबाला ले जाओ, कबूल नहीं तो अभी अमानत पड़े हैं पैसे, पैसे ले जाओ। नियत की है अभी, अभी ट्रांसफर नहीं हुई डीड, ये सामने पड़ी है। तो उसने कहा सरकार इससे बेहतर सादत क्या हो सकता है कि मैं इन चार हस्तियों का पड़ोसी बन जाऊं। इत्तेफाक ऐसा हुआ, यू नेवर नो, वो उसकी जिंदगी का आखिरी साल था और वो मर गया। जब मरने लगा तो उसने वसीयत की कि मेरी कब्र में नविश्ता इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को रख देना। जब बच्चियां कुरान पढ़ने के लिए गई नेक्स्ट डे, तो उन्होंने देखा कि कब्र पे एक ताज़ा इबारत लिखी हुई है कि ऐ मेरी बच्चियों, जाफर इब्ने मोहम्मद ने वादा पूरा कर दिया है और मैं अपने घर जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गया हूं। ये 10,000 दीनार का डोनेशन देने के सबब अल्लाह की ज़ात ने सारी ज़िंदगी के गुनाह भी माफ़ कर दिए उस बादशाह के, और उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह और हसनैन शरीफैन का जन्नतुल फिरदौस में पड़ोसी भी बना दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर का हुदूद अरबा इन चार हस्तियों से मुज़य्यन हो और आप इन चार हस्तियों के पड़ोसी बन जाएं, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ फरमा दे, दुनिया में बशारत मिल जाए, तो अगर आपके पास है तो $10,000 अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दीजिए। अल्लाह ताला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की यौम विलादत और उनके जद्द नामदार खातमुल अंबियाए वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के सदक़े में आपको माफ़ी फरमा देगा, जन्नत में घर भी अता फरमा। अगर आप हमारे हम्बल प्रोजेक्ट्स अलमैदी फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तआवुन करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका दिया गया डोनेशन अल्लाह रसूल और अहले बैत के रास्ते में खर्च होगा, हम अपनी ज़ात पर एक पैसा आपका दिया हुआ खर्च नहीं करेंगे। अगर आप एतबार करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अलमैदी TV है, अलमैदी सेंटर है ब्रुकलिन में, अल कुरान सेंटर है पेंसिल्वेनिया में, अल कुरान अकेडमी है, बैतुल महदी के नाम पे हमारा यतीम खाना है, सादात के हम कफ़ील हैं, सैयदजादियों के हम कफ़ील हैं जिनको हम कपड़े ख़रीद के देते हैं, उनको हम साल भर की ग्रोसरी देते हैं, गोश्त लेके देते हैं, दूध का बिल देते हैं उनका, दुकानदारों से हमने उनके लिए ग्रोसरी लगवाई हुई है। आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में मदद फरमा सकते हैं। आप आयतुल्लाह अलुज़्मा हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी साहब क़िबला मुज्तहिद आज़म को कोई पैसा भेजना चाहें, जिनके पास बहुत बड़ा यतीम खाना भी है और हज़ारों तलबा को वो स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अलमादी फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको नहीं भूलिएगा। हौज़ा इल्मिया भी चल रहा है, जामियतुल महदी से खिताबत भी हम सिखा रहे हैं, मदरसतुल महदी से बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अलमादी संडे स्कूल्स भी हमारे चल रहे हैं, अल कुरान स्कूल्स भी चल रहे हैं, मदरसतुल कुरान भी है, करात भी हम पढ़ा रहे हैं, हम मजहबी समाजी खिदमात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। हमारे इन गरीबाना प्रोजेक्ट्स पर भी गौर फरमाइएगा, इसलिए कि कोई मुल्क, कोई एजेंसी या कोई और बड़ी फाउंडेशन हम गरीबों की मदद नहीं कर रही, हम अपने छोटे से वसाइल से या अपने दोस्तों के वसाइल से, भाई बहनों के वसाइल से काम करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। आज के दिन के सदके में अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर फरमाए, मेरे मरहूमिन की मगफरत हो, आप सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, आप सबके मरहूमिन की मगफरत हो, अल्लाह आपको ढेर रिस्क अदा करे, कर्ज़े अदा हों, मुश्किलात हल हों, जो बीमार हैं बीमार करबला के सदके में शिफायाब हों। ख़ास तौर पर मैं यहाँ दुआ करूँगा उन लोगों के लिए जो हमारे मुआमिनीन हैं, नाज़रीन नाज़रात हैं, जो अलील हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खुदा हाफिज़।